पहले मुद्दा यही है कि सबसे पहले हम लोग ड्राई नशा के खिलाफ हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं पूरे पटना में, और वो भी आंदोलन एक शांतिपूर्ण तरीके से होगी। सिर्फ और सिर्फ काला पट्टी, एक काला का सिंबल देना है टोटल का टोटल नागरिक को। हम लोग कोशिश रहेगी आप लोग के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पर्ची बटाने के माध्यम से, किसी भी तरीके से माध्यम से आंदोलन करने की जरूरत इस परी इसके कारण आपको मुन्ना भैया डायरेक्टली आपको बताएंगे बहुत अच्छी तरीके से। आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी है? आंदोलन की जरूरत इसलिए पड़ी है, आंदोलन क्या है मतलब कि इसे जागरूकता करने का, मतलब जागरूक करने का पब्लिक को काम किया जाए, और इसके साथ साथ मतलब सरकार का मतलब ध्यान आकृष्ट इसके तरफ, इसे दारू ही नहीं मतलब इसे आपके यहाँ समस्या है, इसके अलावा इसे भी विकराल समस्या है आपके पास, तो पब्लिक के जरिए इस बात को मतलब इसे उनका सहभागिता लेके मतलब सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का कोशिश करेंगे कि आप ये सब मुद्दा पर भी मतलब ध्यान दिया, समझिए यही मेन। और सबसे ज़्यादा हम लोग का वही बच्चा जो मतलब कि आजकल जो नशा ड्राई ड्रग मतलब किसे लोग ले रहे हैं, स्मैक हो गया, टैबलेट लोग खाते हैं, बहुत तरह का आजकल वाइटनर हो गया, बॉनफिक्स हो गया, कोरेक्स हो गया, नाम भी नहीं रिंच हो गया, तरह का नशा होता। मतलब एक मतलब दारू छोड़ दिया जाए बंद हुआ क्या नहीं कि एक 100 प्रकार का नशा पटना में चालू है। सरकार का चीज है गार्जियन से इख्तियार का, बच्चा जो कि बाहर में मानेंगे, बच्चा घर में नशा नहीं कर रहा, बच्चा बाहर में पार्क में बैठ के नशा कर रहा है, पार्क में मतलब उसको देखने वाला कोई नहीं है, समझ गए, पुलिस अगर देखती भी है तो माने कि उसको मतलब नज़रअंदाज करके चली जाती है, समझ गए कि नहीं, तो बच्चा बाहर में नशा कर रहा है, बाहर में सरकार का जिम्मेवारी बनता है, घर के अंदर मेरी जिम्मेवारी बनती है, कैसे कहते हैं कि सरकार मतलब सरकार का तो जिम्मेवारी है ही है कि मतलब किसे ना करें, आखिर मतलब जब बैन है तो मतलब किसे सरकारें ना बैन किए हुए है, तो कहे नहीं मतलब किसे पकड़ती है मतलब किसे वैसे लोग। यहाँ तक कि शराब बिहार में भी बन रहा है, बिहार से बाहर भी आ रहा है, वो आप भी जान रहे हैं हम भी जान रहे हैं, बनाने वाले को नहीं पकड़ा जा रहा है, पीने वाले को पकड़ा। हाँ तो यही बात है, मैं सरकार से सीधा सीधा हम लोग का सिस्टम के खिलाफ हम लोग का चुनौती रहेगा, और चुनौती ये रहेगा कि विभिन्न प्रकार का जो नशा पदार्थ यहाँ तक किराना दुकान में आज के समय में व्हाइटनर और बॉनफिक्स मिलता है, ठीक है, और बाकी सब नशे को तो छोड़ दिया जाए, वो हमारे समाज को और हमारे युवा को बर्बाद करने का एक साजिश है। आने वाला नशा तो बर्बाद हो रहा है, आने वाला जो होना था तो हो गया, लेकिन आने वाला जो मतलब जिसे जो नस्ल है वही बर्बाद हो जाएगा, तो फिर कहीं का नहीं रहेगा। हमारे भी 4 साल के बेटा है, इनके भी JNU में बेटा पढ़ रहा है, मास्टर डिग्री कर रहा है, हमारे भी बेटा, हम लोग भी सोच रहे हैं कि आने वाले जनरेशन में क्या होगा, आज हम उसे खिला रहे हैं, मेरा फादर खिलाया घर पे, और कल से समाज में बाहर चले गया ना, तो 2-4 बंदा इसलिए करवाता है कि 3rd-4th दिन वो खुद करे, आज मेरा समाज ऐसा हो गया। एक सिस्टम मतलब आप सरकार जिसे एक सिस्टम है वैसे ही इसके पैरेलल एक सिस्टम काम कर रही है, और इस सिस्टम सरकार के सिस्टम पर भारी पड़ता है, क्योंकि ये सिस्टम मतलब कि आपके जो कर्मचारी हैं उनको करप्ट बना देता है। और एक बात और, आपने बोला नशा के बारे में, आपने कुछ दिन पहले कदम को थाना के बारे में रिपोर्ट मिली होगी, सूरज मिश्रा, निशिकांत, निशि, स्पाई, ये सब क्या में गए बताइए, किस चीज में? दारू का गाड़ी छोड़वा देंगे, 4 लाख रुपया लेंगे, 3 लाख रुपया लेंगे, उस साले को तो गार पे मारेंगे, इतना लाठी के पता चलेगा। उन्होंने निशिकांत निशि के साथ वो स्पाई हम मुझ पे खार खाता था कि ये बंदा, और वो लफुआ जैसे घूमने वाला बंदा हम लोग के सामने पुलिस को लेके आता था, हम लोग थोड़े क्या है क्रिमिनल हैं, गलत काम किए हुए हैं, दारू पिए हुए हैं, ड्रग्स लिए हुए हैं, स्मैकियर हैं, और वो लोग बंदा टॉर्चर करने का काम किया। निशिकांत निशि का मैं बात बता देता हूँ, अतत्ता पैसा कदम को थाना से बना लिए, अतत्ता अभी जांच यदि हो जाएगी कोर्ट में तो उनका नौकरी भी नहीं बचेगा, और मैं बंदा हूँ 6 महीना पहले रिपब्लिक न्यूज़ यूट्यूब का मैंने शेयर किया था निशिकांत निशि के खिलाफ,
और सूरज मिश्रा का भी पटना का सुपर दलाल करके यूट्यूब पे था, उसका भी मैंने किया। और मुझे विभिन्न जगहों से फ़ोन ये मैसेज आया, डिलीट कर दो, और हमने डिलीट तक नहीं किया। मेरा भविष्य जाए तो जाए, मेरा समाज का भविष्य से कहीं नहीं है। मतलब कि जैसे और भी बहुत सी चीज़ से आदमी परेशान है, हम लोग के पास बहुत सारा मुद्दा है, लेकिन अब अभी कितना चीज़ को एक्सप्लेन करें। और भी जैसे था, मतलब हम लोग का एक शिकायत इससे था कि टैक्सेशन, मतलब अभी मोटर व्हीकल एक्ट तो है, मतलब कि इसे कितना कितना पैसा लिया जाता है। अगर कि मान कोई अगर काम या कागज आपका बुरा लग गया तो 5,000-10,000 ऐसे स्कूटी वाला को, मतलब टू व्हीलर को फाइन किया जाता है। कोरोना काल में मतलब कि आदमी कहीं से कैसे भी कोई तरह का पैसा मतलब उपाय करके अपना काम से आ रहा है। कोरोना काल में आप दिए उसमें मतलब कि जैसे पकड़ के पैसा लाइए, कहाँ से पैसा देगा कोरोना काल में? मतलब कहीं से आप कहते हैं सरकार तो मतलब कि जैसे कसाई की तरफ पेश आ गई। ये बंदा भैया कोरोना काल में खुद दिए हैं, वो भी दो दो बार फाइन कटवाए। मतलब इसे नहीं परेशान है, सर ठीक है, मेरा कागज का है, आप फाइन लीजिए, 100 रुपया लीजिए, 200 रुपया लीजिए, 5,000, अरे 10,000 ऐसे कहीं फाइन लिया जाता है? टॉवेल ऊपर ला देना, मतलब लग रहा है कि जिसे इसी से रोजी रोटी चला लेना। और हर जगह करप्शन है। आप क्यों ना मृत्यु प्रमाण पत्र लेने जाइए या जन्म प्रमाण पत्र, पैसा नहीं मांगेंगे तो बोल देंगे कि 100-200 मिठाई के लिए दे दीजिए। आगे की क्या योजना है? आगे की आयो आगे की जनता से मांग है कि आप मतलब कि जैसे अगर हमारे मतलब मुद्दा जो हम लोग उठा रहे हैं उससे अगर आप सहमत हैं तो आप अगर ऐसा करके मतलब कि इसे मतलब ठीक है हम लोग से बोलेंगे तो बोले कि आप काला बैस लगा के काला पिल्ला लगा के मतलब क्या आइए। अगर उस दिन पटना में या पूरे बिहार में कहीं से भी अगर मतलब कहीं आपको कोई पार्क में नजर आ जाए जहाँ 10 को बच्चा मतलब कि इसे काला बिल्ला लगाए घूम रहा हो, कहीं कोई भी जगह पे मतलब इसे नजर आए तो ये पता चलेगा कि मतलब कि जैसे हमारा हाँ संख्या नहीं मतलब और भी लोग मैंने कि इस समस्या से हैं और इनको राहत चाहिए। इस हम लोग एक डेट फाइनल करने जा रहे हैं, उस दिन पूरे पटना में शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बंदी करने जाएंगे, वो भी ऐसा बंदी कि सब चीज़ चलेगा, सिर्फ काला सिंबल देना है, सांकेतिक होगा। और वो भी उसके पहले आप लोग के माध्यम से हम लोग डेट और समय सब हम लोग आप लोग के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से हैंडबिल के माध्यम से बैनर के माध्यम से हम लोग पूरे पटना में पहुंचाने का काम करेंगे उस दिन का। और जो भी दिन रखा है वो संडे रहेगा, कोई भी दिन हो। और सबसे पहले नशा के खिलाफ में काला सिंबल का। पूर्व प्रत्याशी कुमरान विधानसभा उत्तम सिंह। मेरा नाम सरवंदर कुमार है और यही कदम कुआ में हम रहते हैं।